हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। आज भी बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेकर आया हूँ और ये टॉपिक है नॉवल। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर इस वीडियो को आज आपने स्किप किया तो आप अपने लिए एक रिस्क क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इस वीडियो में आपको प्रोज रोमांस क्या होता है, ट्रेवल क्या होता है, गॉथिक नॉवल क्या होते हैं, पिकारिस नॉवल क्या होता है, एपिस्टलरी नॉवल, डोमेस्टिक नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, रीजनल नॉवल, प्रोफेटिक नॉवल, साइकोलॉजिकल नॉवल, ये सभी नॉवल आपको बताए जाएंगे और बाद में MCQs भी बताए जाएंगे। और ये PDF अगर आपको चाहिएगा तो एक बात का ध्यान रखना, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर फॉलो करना, वहाँ पर आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो नॉवल क्या होता है पहले वो देखेंगे, फिर उसके अलग अलग प्रकार, कुछ वर्ल्ड के फेमस नॉवल और फिर उससे रिलेटेड कुछ वर्ल्ड के फेमस MCQ सीरीज, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो आगे बढ़ाएं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी लिंक मिलेगा उसे ज़रूर फॉलो करें, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, चाहे वो कोई भी लिंक है, चाहे वो आपका टेलीग्राम लिंक है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, मैं हर एक वो चीज़ आपको प्रोवाइड कराता हूँ जो मैंने खुद तैयार की, और तीन बार मैंने सिलेक्शन लिया TGT और PGT में बहुत ही अच्छी रैंक से, ठीक है। तो हर एक चीज़ वो आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ये मत सोचना ये बुक की किताब है, इस किताब को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है और यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले नॉवल से पहले भी हम लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो वो सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे जो टॉपिक चल रहा है फॉर्म्स ऑफ प्रोज चल रहा है, तो आज देखिए नॉवल क्या है, थोड़ा डिस्कस करते हैं नॉवल है क्या एक्चुअली में। अ नॉवल इज ए लॉन्ग प्रोज फिक्शन हैविंग ए प्लॉट, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड द प्लॉट डेवलपिंग कमिंग टू लॉजिकल कंक्लूजन थ्रू द कैरेक्टर्स इंटरेक्शंस विद वन अनदर। देखिए इसमें क्या बताया, नॉवल क्या होता है, एक लॉन्ग प्रोज फिक्शन होता है जिसमें आपको प्लॉट भी मिलेगा, कैरेक्टर्स भी मिलेंगे, जो प्लॉट है डेवलप होगा और एक बाद में लॉजिकल कंक्लूजन तक भी पहुंचेगा, किस तरीके से थ्रो कैरेक्टर्स का जो इंटरेक्शन है उसके द्वारा कुछ वार्तालाप जो एक दूसरे से करेंगे, जो क्रियाकलाप होगा उसके द्वारा क्या है वो नॉवल होता है। JB प्रेस्ले ने क्या कहा नॉवल को, एज ए नैरेटिव इन प्रोज क्रिएटिंग। बस याद रखना, आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि किसने ये डेफिनेशन दी है, अ नैरेटिव इन प्रोज रेटिंग, तो JB प्रेस्ले ने नैरेटिव यूज़ किया है प्रोज के लिए, ठीक है। तो ये फुल डेफिनेशन है, एज अ नैरेटिव इन प्रोज रेटिंग ट्रीटिंग चीफली ऑफ इमेजिनरी कैरेक्टर इवेंट, ठीक है। उन्होंने कहा एक नैरेटिव एक प्रोज में ट्रीटिंग चीफली ऑफ इमेजिनरी कैरेक्टर्स और इवेंट, ठीक है, इमेजिनरी कैरेक्टर्स और इवेंट को जो ट्रीट करे वो होता है नॉवल। और फिर देखते हैं बाद में और नॉवल की और भी डेफिनेशन देखते हैं। सच नॉवल सच स्कॉट नेलवर्थ थैकरे हेनरी ऑसमॉन्ड सो अस एक्चुअल हिस्टोरिकल पर्सनेज इन, जो ये आपके सामने जो वर्क है स्कॉट का थैकरे का, इसमें आपको हिस्टोरिकल पर्सनेज मिलता है, मतलब ये हिस्टोरिकल नॉवल है, ठीक है। JB प्रेस्ले ने फिर से कहा, वी मे रिगार्ड फिक्शन एज ए नैरेटिव प्योर एंड सिंपल। फिर से नॉवल के बारे में मैंने कहा था, नैरेटिव जो है जिसने यूज़ किया है, नैरेटिव यूज़ किया है JB प्रेस्ले ने, और ये डेफिनेशन फिर से देते हैं, वी मे रिगार्ड फिक्शन एज ए नैरेटिव प्योर सिंपल। हम रिगार्ड कर सकते हैं फिक्शन को एक नैरेटिव प्योर सिंपल के रूप में, और एज ए पिक्चर ऑफ मैनर, मैनर के तस्वीर के रूप में, जो अलग अलग तरह के मैनर्स होते हैं मनुष्य के, एंड एज एन एग्जीबिशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर को प्रकट करते हैं अलग अलग तरीके से नॉवल में, और एज अ व्हीकल ऑफ सर्टेन फिलोसफी ऑफ लाइफ, या जो एक सर्टेन जो फिलोसफी होती है, ठीक है, उसके जो व्हीकल के रूप में इसमें नॉवल को यहाँ पर बताया हुआ है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस दी हुई हैं, इसमें अलग अलग प्लॉट भी मिलते हैं, ट्रेजिक, कॉमिक, सटायरिकल, रोमांटिक, अलग अलग प्लॉट आपको इसमें मिल जाएंगे। सिंस द फ्लावरिंग टाइम नॉवल इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th century, 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में जो है नॉवल आए थे, बेसिकली नॉवल जो है वो आपको 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में
मतलब मान के चलिए आप जो नॉवल आए थे वो 1850 के करीब यहाँ पर बताया हुआ है, वो सेकंड हाफ है 19th सेंचुरी में। तो नॉवल जो है वो 16th-17th सेंचुरी में नहीं था, नहीं 18th सेंचुरी में था, नॉवल जो आया था वो 19th सेंचुरी में आया था, ठीक है। द नॉवल हैज डिस्प्लेस्ड ऑल अदर लिटरेरी फॉर्म्स पॉपुलरिटी। नॉवल ने सभी जितने भी लिटरेरी फॉर्म्स थी उन सब को डिस्प्लेस कर दिया था एंड हैज़ रिप्लेस्ड लॉन्ग वर्स नैरेटिव ऑलमोस्ट एंटायरली। और इसने क्या किया था, जो लॉन्ग वर्स नैरेटिव थे उन्हें तो बिल्कुल ओवरटेक कर लिया था। नॉवलिस्ट आर्ट हैज़ रिसीव्ड द डिवोटेड अटेंशन ऑफ सम सुप्रीम क्राफ्ट्समैन ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। मॉडर्न लिटरेचर में कुछ बेहद बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवलिस्ट हुए हैं, जिनका नाम है जॉन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस, थैकरे, एच जी वेल्स, आर एल स्टीवेंसन, हार्डे, थॉमस आर्डे, वर्जीनिया वॉल्फ, जेम्स जॉयस, ठीक है। और इसमें पॉकेट थिएटर भी इसे कहा गया है। नॉवल को अगर कहने लगे पॉकेट थिएटर किसे कहा गया है, नॉवल को कहा गया है। और इसे प्रकट ये करता है नॉवल में विद इन एंड विदाउट अस, ठीक है। याद रखना, जो हमारे अंदर है जो हमारे बाहर है उसे प्रकट करता है नॉवल। तो ये दो चीज़ें आपके सामने आने लगे, पॉकेट थिएटर किसे कहा गया है, द विद इन एंड विदाउट अस किसे कहा गया है, तो याद रखना इस बात को। ये किसे कहा गया है, नॉवल को कहा गया है। और नॉवल जो है, एक और बात पॉइंट याद रखना, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, नॉवल जो है इटालियन वर्ड नॉवेल से लिया गया है, ये बात भी याद रखना। और देखिए, इट इज मोस्ट इफेक्टिव मीडियम फॉर पोर्ट्रेल ऑफ ह्यूमन थॉट एंड एक्शन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है ये, या मीडियम है ह्यूमन थॉट एंड एक्शन का प्रकट करना। देखिए अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, प्रोज नॉवेल रोमांसेस क्या होता है। रोमांसेस इन वर्स वर रिटन मच अर्लियर देन रोमांस इन प्रोज। प्रोज रोमांस जो है वो बाद का वर्जन है और वर्स रोमांस जो है स्टार्टिंग का है, ठीक है। प्रोज रोमांस क्या है, आज अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ नॉवल। जो प्रोज रोमांस थे वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ नॉवल, नॉवल की शुरुआत में प्रोज रोमांस जो है वो आए थे। एंड दे वर सिंपली फैंटेसी इन विच ऑथर मेक फुलेस्ट यूज ऑफ देयर इमेजिनेशन। ये फैंटेसी पर डिपेंड है, बिल्कुल इमेजिनेशन पर डिपेंड है, और इसमें फुल ऑफ इमेजिनेशन यूज़ करता है जो राइटर होता है फैंसी। एंड क्रिएट एन आइडियल वर्ल्ड विच बियर लिटिल और नो सेम्बलेंस विद रियल लाइफ। इसका ना के बराबर ही संबंध होता है वास्तविक जीवन से, तो प्रोज रोमांस होता है ये। द अर्लीस्ट ऑफ दैम फेमस मॉर्ट डी ऑथर, ठीक है। मॉर्ट डी ऑथर सबसे पहला जो प्रोज रोमांस कहा गया है, जिसमें दिखाया जाता है जो रिटोल्ड लेजेंड रिटोल्ड बाई थॉमस मर्ले इन प्रोज, ठीक है। सबसे पहला अगर बात करें अर्लीस्ट थीम मॉर्ट डी ऑथर, और इसे जो प्रोज में सबसे पहले यूज़ किया गया था सर थॉमस मर्ले। मॉर्ट डी ऑथर सबसे पहला ऐसा वर्क था मर्ले के द्वारा जो प्रोज में कन्वर्ट किया गया था। इट टेक्स अस बैक टू लेजेंडरी वर्ल्ड ऑफ नाइटहुड शिवेलरी, और ये हमें नाइटहुड या शिवेलरी की तरफ ले जाता है, वीरता की तरफ ले जाता है ये वर्क। अदर 16th सेंचुरी प्रोज रोमांस लेले इफ्यूज इन टू पार्ट्स, सिडनी आर्केडिया पेस्ट्रल रोमांस, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। कंसीविंग ड्रीम लैंड ऑफ प्योर फैंसी, ठीक है। आपको सिडनी के आर्केडिया में पेस्ट्रल रोमांस में एक बिल्कुल ड्रीम लैंड के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। लॉज की रोजा लैंड जो थी एक लव रोमांस था, और ग्रीन की पोंडोस्टो, बेकन्स का न्यू एटलैंड, ये सब प्रोज रोमांस थे। और सबसे पहला प्रोज रोमांस जो बताया गया मॉर्ट डी ऑथर, मैरोले की मॉर्ट डी ऑथर। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने जो नॉवल दिया गया है ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग क्या होता है, नॉवल प्रॉपर स्टार्टेड इन लिमिटेड सेंस ट्रेवलॉग, ये लिमिटेड सेंस में स्टार्ट होता है। ट्रेवलॉग आर ट्रैवल स्टोरी, इसमें ट्रैवल स्टोरी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, रिलेटिंग एडवेंचर ऑफ ट्रैवलर एंड वॉयजर्स इन अननोन एंड अनचार्टेड सीज। और यहाँ पर आपको ऐसा एडवेंचर दिखाया जाता है कैरेक्टर्स के द्वारा जहाँ ऐसी जगह पर वो दिखाया जाता है जहाँ पर आज तक लोग नहीं गए हैं, जिसे नहीं जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रैवल स्टोरी एक तरीके से, और ट्रैवल स्टोरी विद एडवेंचर वो दिखाया गया है ट्रैवलॉग में।
दे ऑफन लैंड ऑन अनइनहैबिटेड आइलैंड और सम आइलैंड इनहैबिटेड बाई स्ट्रेंज क्रिएचर। और ये ऑफन जो बहुधा प्राय जो है ये लैंड जो होते थे ऑन अनइनहैबिटेड आइलैंड और सम आइलैंड इनहैबिटेड बाई स्ट्रेंज क्रिएचर। ये आपको जो आइलैंड मिलते हैं वहाँ पर अलग अलग स्ट्रेंज क्रिएचर जो है आपको प्रोवाइड कराता है राइटर, दिखाता है। अर्लीस्ट ऑफ दैम डेनियल डिफो रॉबिन्सन क्रूजो, सभी ने पढ़ा है इसे एमए में। तो रॉबिन्सन क्रूजो सबसे पहला स्टार्टिंग में बताया हुआ है लैंड्स ऑन अन इनहैबिटेड आइलैंड सम हाउ मैनेज टू लिव देयर सेवरल ईयर, और वो मैनेज करता है कई सालों तक वहाँ पर वो जिंदा रहता है, अलग एक आइलैंड पर पहुँच जाता है। और ही इज़ रेस्क्यूड देयर बाय लक्की चांस ऑफ पासिंग शिप ऑफ हिज ऑन कंट्री, और वो उसकी कंट्री का जो शिप वहाँ से पास कर रहा था उसी के कारण वो बच भी गया था, रॉबिन्सन क्रूजो। अनदर फेमस ट्रेवल जोनाथन स्विफ्ट गलिवर्स ट्रेवल, ठीक है। और इसमें कुछ एक ही आइलैंड के बारे में बताया जाता है और यहाँ पर अलग अलग तरह के क्रिएचर जो दिखाए जाते हैं, लिलीपुटियंस एंड होहनहिम्स ब्रोबिडिनग्स, ठीक है। ये कैरेक्टर्स हैं कुछ गलिवर्स ट्रेवल के। और याहू हावर स्विफ्ट एपिसोड दिस एडवेंचर हैव वेरी पंजेंट सटायर ऑन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिचुएशन, और इनके माध्यम से वो कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल सिचुएशन पर थे वो सटायर उन पर करना चाहते थे। फिर इसके बाद बात आती है गॉथिक नॉवल क्या होता है। गॉथिक नॉवल बहुत ही अच्छा टर्म है। गॉथिक नॉवल डेवलप इन लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, ये 18th सेंचुरी का जो लेटर हाफ था उसमें गॉथिक नॉवल जो है इंट्रोड्यूस कराए गए। एंड गॉथिक नॉवल वर रिटर्न प्रिंसिपली हॉरेस वॉलपोल, जिसे कि इन्होंने लिखा था कैसल ऑफ ओट्रेंटो, रेड क्लिफ, रोमांस ऑफ फॉरेस्ट, मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो इटेलियन, ठीक है, रेड क्लिफ ने लिखा, क्लैरा रीव ओल्ड इंग्लिश बैरन। ये गॉथिक नॉवल है, इसमें क्या होता है, इसमें दिखाया जाता है हॉरर टेरर, ये हॉरर और टेरर नॉवल भी कहा गया है। और दे हैव गॉथिक एटमोसफियर मार्क विद सुपर नेचुरल ऑरर मिस्ट्री सस्पेंस, और इसमें गॉथिक एटमोसफियर आपको मिलेगा और सुपर नेचुरल यहाँ पर ऑरर मिलता है, मिस्ट्री मिलता है, सस्पेंस मिलता है। और दिस ट्रेंड डिड नॉट कंटिन्यू लॉन्ग, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया था ये ट्रेंड। तो गॉथिक नॉवल क्या होता है, ये बेसिकली नॉवल होता है ऑरर और टेरर को दिखाता है। फिर इसके बाद बात आती है पिकार्स, ये एक पिकार शब्द से लिया गया है जो कि स्पेनिश शब्द है, जिसका मतलब होता है रोग, एक बदनाम, एक बेकार व्यक्ति। अ शॉर्ट वॉयज ऑफ पिकार्स नॉवल ऑल्सो केम ए शॉर्ट वॉग ऑफ पिकार्स नॉवल ऑल्सो केम इन 18th सेंचुरी, ये भी 18वीं शताब्दी में आया था। द टर्म पिकॉरस इज ड्राइड फ्रॉम पिकारो विच मीन्स अ वॉन्डरिंग रॉग, ये जो शब्द है पिकॉरस ये पिकारो शब्द से लिया गया है और ये स्पेनिश शब्द है, ये जिसका अर्थ है वॉन्डरिंग रॉग, एक भटकता हुआ बदनाम खराब व्यक्ति। एंड इन दिस लाइन हीरो इज अ रॉग, और इन दिस नॉवेल्स हीरो इज अ रॉग, इन नॉवेल्स में एक हीरो जो होता है वो एक रॉग दिखाया जाता है, बैड कैरेक्टर दिखाया जाता है, हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता है, एनकाउंटर मैनी एडवर्सरीज हु आर इक्वली रॉगिस, और ऐसे ऐसे लोगों से एनकाउंटर करता है, अपने विरोधी लोगों से एनकाउंटर करता है जो खुद भी रॉग थे। एंड द नॉवलिस्ट नैरेटेड दिस एपिसोड वन बाय वन, ये नॉवलिस्ट जो है वो वन बाय वन इस तरह के एपिसोड जो है नैरेट करता है, जो होल प्लॉट जो है वो एपिसोडिक डिसजॉइंटेड बन जाता है। अगर आने लगे एपिसोडिक प्लॉट किस में मिलता है, वो मिलता है पिकार्स नॉवल में। कुछ इम्पोर्टेंट पिकार्स नॉवल मॉल फ्लैंडर डेनियल डिफो का, फील्डिंग टॉम जॉन्स, जोसेफ एंड्रयू, जोनाथन बॉयल्ड, ये फील्डिंग के वर्क हैं। स्मॉलेट का एडवेंचर ऑफ रॉड्रिक रैंडम, ये सब पिकार्स नॉवल ही थे। फिर इसके बाद एक और बात करते हैं, हीरो एंड हीरोइंस ऑफ दिस नॉवल आर देमसेल्फ बैड कैरेक्टर एंड हीरोइन डेनियल डिफो मॉल फ्लैंडर फॉर एग्जांपल। मॉल फ्लैंडर्स जो है डेनियल डिफो में एग्जांपल है किसका, ये क्या थी, इज हरसेल्फ अ रॉग, एक रॉग थी ये, एक बैड कैरेक्टर था। सी वाज 12 ईयर ए होर, एक वैश्या का काम किया इसने 12 साल, 5 साल 5 बार ये वाइफ रही
पांच बार ये पत्नी बनी, जिसमें कि अपनी एक बार खुद के भाई की बनी। 12 साल थीफ रही। 8 ईयर ट्रांसपोर्ट की गई है। फैलिन इन वर्जीनिया में ट्रांसपोर्ट इसे किया गया। सच व टिपिकल हीरोज ओ पिकार्स नॉवल, इस तरह के नॉवल आपको पिकार्स में मिलते हैं। फिर इसके बाद बात आती है एपिस्टलोरी नॉवल क्या होता है। ये एक वर्ड है एपिस्टल, इससे ड्राइव किया गया है, इसका मतलब है लेटर। देयरफॉर एपिस्टलोरी नॉवल इज अ नॉवल ऑफ विच द प्लॉट डेवलप थ्रू मीडियम ऑफ लेटर्स, जिसमें प्लॉट जो है लेटर के माध्यम से डेवलप होता है। एंड इन द एपिस्टलोरी नॉवल दीज There is very little dialogue amongst the character face to face. यहाँ पर face to face बहुत कम ही डायलॉग होते हैं। लेटर के थ्रू डायलॉग बाजी होती है। कैरेक्टर्स एक्सचेंज देयर व्यूज थ्रू देयर लेटर देयर रिप्लेस, अपने रिप्ले और लेटर के द्वारा वो एक्सचेंज करते हैं अपने व्यूज और थ्रू द मीडियम ऑफ दिस लेटर प्लॉट डेवलप एंड कम टू एन एंड, इसी से ही प्लॉट चलता है और ख़त्म हो जाता है। बेस्ट टू एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टलोरी नॉवल रिचर्डसन क्लैरिसा हार्लो एंड पैमेला, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। फिर बात आती है डोमेस्टिक नॉवल क्या होता है। डोमेस्टिक नॉवल देयर टाइटल सजेस्ट प्रेजेंट डे टू डे लाइफ, जो रोज़मर्रा की जीवन के बारे में बात करें, मिडिल क्लास की लाइफ के बारे में बात करें, वो होता है डोमेस्टिक नॉवल। लाइफ पैटर्न ऑफ मेम्बर ऑफ फैमिली एंड देयर रिलेशन देयर फ्रेंड्स नेबर आर्टिस्टिकली प्रेजेंट इन दिस नॉवल, यहाँ पर आपको मिलेगा नेबर फ्रेंड्स है ना मेंबर ऑफ फैमिली आर्टिस्टिक रूप से यहाँ पर दिखाए जाते हैं। फेस्टिवल फंक्शंस सेलिब्रेशन बर्थडे नुप्शल होता है मैरिजेस आर ग्राफिकली डिस्क्राइब इन दिस नॉवल, इसमें डिस्क्राइब की जाती हैं इस तरह के नॉवल जो हैं, सब चीज़ें यहाँ पर ये दिखाई जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फेमस जेन ऑस्टिन थी, इनके प्राइड एंड प्रेजुडिस सेंस एंड सेंसिबिलिटी एमा, ये बेस्ट एग्जांपल है डोमेस्टिक नॉवल के। फिर बात आती है हिस्टोरिकल नॉवल क्या होता है। हिस्टोरिकल नॉवल ड्रॉ इट्स थीम फ्रॉम सम इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल नॉवल, है ना, हिस्टोरिकल नॉवल जो है इसकी थीम जो है डेवलप करती है, ये ली जाती है हिस्टोरिकल इवेंट से, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है उससे। बट अराउंड दिस हिस्टोरिकल इवेंट नॉवलिस्ट वेव सम इमेजिनेटिव आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड अरेस्टिंग थीम ऑफ ए थीम फॉर नॉवल, और नॉवलिस्ट क्या करता है अपनी तरफ से इमेजिनेटिव चीज़ आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए उसमें जोड़ देता है ताकि जो इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो, ठीक है। तो मेनली जो स्कॉट का नेलवर्थ एंड द आइवन हो एंड डिकन का टेल ऑफ ट्यू सिटीज़ एंड फेकरे का हेनरी ओसमोंड, ये बेस्ट एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल नॉवल के। फिर बात करते हैं रीजनल नॉवल क्या होता है। रीजनल नॉवल इज अ नॉवल विच डिस्क्राइब द सोशल फैमिली कस्टम मैनर लैंग्वेज ड्रेस बियरिंग ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर रीजन, तो एक विशेष जो रीजन होता है विशेष स्थान के लोगों के बारे में मैनर के बारे में कस्टम के बारे में लैंग्वेज के बारे में जब बताया जाए वो होता है रीजनल नॉवल। और रीजनल जो वो स्थान है वो रियल में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एक जैसे थॉमस आर्डे थे वेसेक्स नॉवल जैसे उन्होंने कहा गया तो उन्होंने वेसेक्स को फॉलो किया। इस तरह आर के नारायण का मालगुडी था तो उन्होंने मालगोडी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया अपने रीजनल नॉवल के रूप में, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारे फेमस राइटर रहे हैं। डीएच लॉरेंस ने लंदन को फॉलो किया था रीजनल नॉवल में, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है नॉवल थॉमस आर्डे डीएच लॉरेंस ये रीजनल नॉवल थे। आर्डे जो थे उनके नॉवल वेसेक्स में थे, लॉरेंस के थे लंदन इंग्लैंड में। फिर इसके बाद बात आती है प्रोफेटिक नॉवल क्या होता है। प्रोफेटिक नॉवल ट्राई टू फोरकास्ट व्हाट द फ्यूचर वुड बी लाइक, जो प्रोफेटिक नॉवल होता है उसमें दिखाया जाता है किस तरीके से भविष्य होने वाला है। एंड दिस नॉवल प्रोफेटिक मतलब होता है भविष्यवाणी। डू नॉट क्लेम द एब्सोल्युटली करेक्ट और ऑथेंटिक, ये क्लेम नहीं करते कि वो ऑथेंटिक या करेक्ट हैं। दे ओनली गिव द टेंटेटिव पिक्चर फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी प्रिवेलिंग द प्रेजेंट, वर्तमान की स्थितियों को भांपते हुए भविष्य को बताना ही प्रोफेटिक नॉवल में होता है। अगर बात करें हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये एनविसेज 1932 अ फ्यूचर इन विच एंटायर पॉपुलस वुड बी मेंटली कंडीशन बाय टोटलिटेरियन डेस्पोट्स, मतलब उसने बताया था 1932 में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि दुनिया जो है वो टायरनीज में आएगी, डिक्टेटरशिप के अंदर आएगी। इसी तरीके से जॉर्ज ऑरवेल जो है 1984 जो है ये भी प्रोफेटिक नॉवल है। फिर बात आती है साइकोलॉजिकल नॉवल क्या होता है।
10 तरह के नॉवल आपको बता दिए हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये लेक्चर रहा होगा, आपने देखा होगा। जैसे कि साइकोलॉजिकल नॉवल इज़ अ वेरी स्पेशल ब्रांच ऑफ मॉडर्न नॉवल। साइकोलॉजिकल नॉवल काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ब्रांच है आज के समय की, क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजिकल स्टडी आजकल चलती रहती हैं। इट हैज़ बीन डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट प्रोबिंग इन टू वर्क ऑफ ह्यूमन माइंड। जो ह्यूमन माइंड में जो प्रोब हुई, जो जांच हुई, उसके बेस पर साइकोलॉजिकल नॉवल होता है। साइकोलॉजिकल देखो तीन टेंडेंसी होती है, तीन स्टेट होती है मनुष्य के माइंड काइंड की, कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस लेवल एंड अनकॉन्शियस लेवल। द माइंड एंड कॉन्शियस लेवल इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग विद इन अस इवन आवर स्लीपिंग स्टेट। तो अब सब कॉन्शियस जो लेवल होता है वो मनुष्य के दिमाग में हर समय चलता रहता है, सोते हुए भी, और इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। एंड इट रिवल्स आउट इवन दैट विच वी डिलिबेटली ट्राई टू सरप्रेस ऑन कंसील। और ये तभी भी प्रकट हो जाता है जब हम इसे दबाना चाहते हैं, अपने माइंड में कोई चीज़ हम दबाना चाहते हैं फिर भी वो निकल कर आती है बिकॉज ऑफ सब कॉन्शियस लेवल। अ नॉवलिस्ट हु राइट देयर साइकोलॉजिकल नॉवल ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग ऑफ माइंड एज सबकॉन्शियस नॉवल गिव अ टेक्निकल नेम स्ट्रीम कॉन्शियस टेक्निक, स्ट्रीम कॉन्शियस नॉवल। जो राइटर्स ने इसी चीज़ को फॉलो किया है सबकॉन्शियस लेवल जो उन्होंने दिखाया है उसे कहा गया है स्ट्रीम कॉन्शियस नॉवल, कॉन्शियसनेस। दे कॉल वॉयज विद इन, अगर याद रखना वॉयज विद इन किस नॉवल को कहा गया है, वो कहा गया है साइकोलॉजिकल नॉवल या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के कौन थे, ग्रेट प्रैक्टिशनर जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, यूलेसिस ऑफ जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, मिसिस डेलावे, वॉयज आउट, ये सब राइटर्स हैं। टू लाइट हाउस आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम कॉन्शियसनेस, ये स्ट्रीम कॉन्शियसनेस के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। कुछ देख लेते हैं, रोमांस ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं, मॉर्डियो था, यूटोपिया, आर्केडिया, रोजलैंड, इफ्यूज, एनाटॉमी ऑफ मिट एंड विट, न्यू एटलैंड, पोंडेस्टो। फिर ट्रैवल के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर आपके सामने, राइटर हैं उनके वर्क हैं ट्रैवल, जॉन मुंडेविल, एन अनफॉर्चुनेट ट्रैवल ऑफ लाइफ ऑफ जैक विल्टन, सबसे पहला ट्रैवल नॉवल था, रॉबिन्सन क्रूसो, मॉल फ्रेंडर एंड द ग्लोवर्स ट्रैवल। इसे काटना नहीं है, सही है, ये पिकारिस नॉवल भी था और ट्रैवल नॉवल भी था। यहाँ पर एरिन रेसेलिस, प्रिंस ऑफ एब्सिनिया जो है, ये सब सैमुअल जॉनसन के वर्क हैं, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ये सब आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये सब वर्क बहुत ही लंबी कतार है तो इसलिए बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसे आप पीडीएफ में देख लेना, सभी राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क हैं यहाँ पर। देखिए पीजीटी और टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए आप सभी इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं वो दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट राइटर्स के। देखिए थॉमस आर्डे ये इंपॉर्टेंट है, ये पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका, ठीक है। आज जी वेल्स, लेटन, गैल्सवर्दी, फोर्साइट सागा, जेसफ कॉर्नेट, सभी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आप सभी इनका टाइटल याद कर लेना ओनली। एम फोस्टर, डी एच लॉरेंस, तो आपसे पहले पीजीटी में भी थे, ऑक्सले है ना, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम को फॉलो कर लेना। चलिए अब बात करते हैं, आप एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम अब डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ही एमसीक्यूज हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट प्रोज रोमांस, सबसे पहला जो अर्लीस्ट प्रोज रोमांस है मैं अभी बताया हुआ है आपको, मॉडी ऑथर थॉमस मोर, यूटोपिया, सबसे पहला लैटिन में लिखा गया था 1516 में, और ये इंग्लिश में कब आया था, इंग्लिश में कब हुआ था ये ट्रांसलेट, तो सेकंड का बी इज द करेक्ट आंसर, 1551। न्यू एटलैंड के ऑथर, बेसिक सा क्वेश्चन था, बेकन ऑथर थे, एंड द न्यू इफ्यूज एनाटॉमी ऑफ विट, इसके करेक्ट आंसर है 4 का सी, लाइले। थॉमस मोर इंस्पिरेशन मिली थी इन्हें यूटोपिया को बनाने की, इसका करेक्ट आंसर है प्लेटो के रिपब्लिक से इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी। और थॉमस लोस से शेक्सपियर का कौन सा प्ले इंस्पायर्ड था, जैसे कि आप सभी को पता है एज यू लाइक इट, ट्रेवल ऑफ जॉन मुंडेविल, मुंडेविल करेक्ट आंसर है इसका ऑलरेडी, 7 का बी इज द करेक्ट आंसर। जॉन बनियान, ग्रेस अबाउंडिंग, क्या था ये वर्क, ये था ये ऑथर की ऑटोबायोग्राफी थी, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी इसे कहा गया है,
जॉन बनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस एक एलिग्री था और डेनियल डिफो का मॉल फ्लैंडर्स क्या था ये वर्क, ये था पिकोरिस नॉवल। पिकोरिस नॉवल, गुड गॉड व्हाट ए जीनियस आई हैड व्हेन आई रोट दैट बुक। इसका करेक्ट आंसर, ये जोनाथन स्विफ्ट की लिखी गई लाइन है और इसका जो करेक्ट आंसर है टेल ऑफ ट्यूब की लाइन है। ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई हार्टली हेट डिटेस्ट दैट मैन कॉल्ड मैन, दैट एनिमल कॉल्ड मैन। मैं नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ दैट एनिमल, उस एनिमल से जो कि मनुष्य कहा जाता है, मतलब वो मनुष्य से नफरत करता है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लोवर्स ट्रेवल। 13, जोनाथन स्विफ्ट ने फिर से कहा है यंग हेल्दी चाइल्ड वेल नर्स, किसे कहा है इन्होंने, मॉडस्ट प्रपोजल को। करेक्ट आंसर इसमें मॉडल प्रपोजल है। जोसेफ एंड्रयू ने पैरोडी होता है मॉक करना किसी के वर्क को, तो वो रिचर्डसन के पैमिला को इन्होंने मॉक किया था। फोर विलो वेन इंग्लिश नॉवल, फील्डिंग स्मॉलेट वॉल्टर स्कॉट स्टर्न, चार ऑप्शंस आपके सामने, इसमें आपको बताना है कौन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका है सी इज द करेक्ट आंसर, वॉल्टर स्कॉट। कैसल ऑफ ओट्रेंटो, करेक्ट आंसर, अभी मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया है, हॉरिस वैलपोल। मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो, सर करेक्ट आंसर ये था गॉथिक नॉवल, 17 का ए। पिकोरिस नॉवल क्या होता है, 18 का करेक्ट आंसर है सी, अ नॉवल हुज हीरो वॉन्डरिंग रोव। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल रिटन बाय रिचर्डसन, रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया नॉवल कौन सा था इसमें, तो करेक्ट आंसर है क्लैरिसा हार्लो। जोसेफ एंड्रयू, फील्डिंग जोसेफ एंड्रयू ने काफ़ी बर्लस की थी, काफ़ी पैरोडी की थी, काफ़ी मजाक उड़ाई थी वर्क की, ठीक है, वो रिचर्डसन के वर्क की टाइट थी, उड़ाई थी इन्होंने मजाक। और बात करेंगे अगर जोसेफ एंड्रयू में, तो उन्होंने रिचर्डसन के जो पैमिला था उसे, जो कि एपिस्टलोरी एक नॉवल था, स्टर्न प्रेसम ट्रिस्ट्रैम, सॉरी ट्रिस्ट्रैम सैंडी, ये कितने वॉल्यूम में अपीयर होता है, 9 वॉल्यूम में। याद रखना ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और लाइफ टाइम लिटरेचर सदाबहार जिन्हें कहा जाता है। स्टर्न वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट ऑन अकाउंट ऑफ हिज डेथ, ये वर्क था जो कि उनके मृत्यु के कारण इनकम्प्लीट रह गया था। हु इज द ऑथर ऑफ ब्राइड ऑफ लैम मेर मोर, करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, वॉल्टर स्कॉट। कैजल रॉकरेंट, 24 का करेक्ट आंसर है मारिया एजवर्थ। इट इज ट्रू यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजिशन ऑफ ए गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वॉन्ट ऑफ वाइफ, मतलब औरत के बिना एक व्यक्ति का अच्छा भविष्य होता है, ये कौन कहता है, प्राइड एंड प्रेजुडिस में ये लाइन्स हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई नॉवल हुज नॉवल और कॉल्ड वेवरले नॉवल, वेवरले नॉवल किसके कहे गए हैं, वॉल्टर स्कॉट के, इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। हु इज कंसिडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट ऑफ रोमांटिक पीरियड, 27 का करेक्ट आंसर है सी। वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट रिटन बाय जेन ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया, तो डी इज द करेक्ट आंसर, नाइटमेयर एवे, ये पीकॉक के द्वारा लिखा गया था। वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट रिटन बाई वॉल्टर स्कॉट, वॉल्टर स्कॉट के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया, कैजल रॉकरेंट, ये एजवर्थ के द्वारा लिखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल विदाउट हीरो, बिना हीरो का नॉवल कौन सा था, वैनिटी फेयर, थॉमस, ये था ट्रेकरे के द्वारा। वेसेक्स नॉवल किसके थे, सभी को पता है, सी इज द करेंट आंसर, थॉमस आर्डे के। रोमोला क्या था, एक हिस्टोरिकल नॉवल था, 32 का ए इज द करेक्ट आंसर। जॉर्ज इलियट का पेन नेम क्या था, निक नेम था मैरी एन एवांस, ठीक है। चार्ल्स डिकन ने एक नॉवल अनफिनिश्ड छोड़ा था, वो था बताइए एडविन ड्रोड, एडविन ड्रोड, 34 का ए। 35, विच हार्डे नॉवल द सीन ऑफ वाइफ ऑक्शन टेक्स प्लेस,
जिसमें औरत को ऑक्शन किया जाता है वो है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। विल्की कॉलिंस ए नॉवलिस्ट नॉन फॉर क्रिएशन ऑफ सेंसेशनल प्लॉट, याद रखना इसका। स्टॉर्मी सिस्टरहुड अप्लाइड फॉर, ये तीनों के तीनों को, ये तीनों बहनें थी ठीक है, इनके लिए स्टॉर्मी सिस्टरहुड कहा जाता है। वॉट अवार्ड वॉज गिवन टू आर्डे एज ए नॉवलिस्ट, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1910 में। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन, 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ये लाइन्स है सी, ये इम्पोर्टेंट है। एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज एज आर वी टू गोड्स, इसका करेक्ट आंसर है टेस, ये किंग लियर से लाइन ली हुई है इन्होंने। आरडे का जो फिलोसफी थी वो थी ए, इज द करेक्ट आंसर 41 का ए। एमिनेंट विल, ये होता है फ्री विल, एक तरीके से फ्री विल। चार्ल्स डिकन मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, डेविड कॉपरफील्ड, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नो नेम लिखते हैं विल्की कॉलिंस। चार्ल्स डिकन किसे कहते हैं, आई लाइक द बेस्ट, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चार्ल्स डिकन किसे कहते हैं आई लाइक द बेस्ट अपने नॉवल को। डॉक्टर जेकल हाइट, कौन इसके राइटर हैं, 45 का सी इज द करेक्ट आंसर, आर एल स्टीवेंसन। चार्ल्स डिकन जो कैरेक्टर थे उनके फ्लैट कैरेक्टर थे, याद रखना इस बात को। इन डिकन्स टेल ऑफ टू सिटीज, टू सिटीज रेफर टू लंदन एंड पेरिस, हिस्टोरिकल नॉवल था ये। जेम्स जॉयस यूलेसिस किस पर बेस्ड थी, होमर्स के ओडेसिस। जेम्स जॉयस ने इनिशिएट किया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, अभी हमने देखा है। जेम्स जॉयस नॉवल रिजेंबल अ वास्ट म्यूजिकल कंपोजिशन, फिनिगन्स वेक इज द करेक्ट आंसर। डी एच लॉरेंस ऑटोबायोग्राफिकल ओवरटोन थी, सन्स एंड लवर में ऑटोबायोग्राफिकल ओवरटोन थे। किस नॉवल को उन्होंने थॉट एडवेंचर कहा है, कंगारू, हम इस तरीके सिंबल से याद कर लेते थे, जो कंगारू जो ऑस्ट्रेलियन होते हैं वे स्ट्रगलर होते हैं, एडवेंचरर होते हैं, इसलिए यहाँ पर कंगारू इस तरह याद हो जाता था। लेडी चटरले लवर, इसे ऑब्सीन नॉवल क्यों कहा गया है, इसका करेक्ट आंसर है 53 का सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है। सेक्सुअल एक्सपीरियंस थीम इसकी थी। रिलीजन ऑफ ब्लड किससे एसोसिएट है, ये इसका करेक्ट आंसर है डी एच लॉरेंस। वर्जीनिया वुल्फ वॉज द डॉटर ऑफ एन इमिनेंट क्रिटिक, एक फेमस क्रिटिक की बेटी थी वो, किसकी थी वो बेटी, 55 का डी, लेजली स्टेफन। वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल में एक में चेंज किया जाता है शेक्स, किस नॉवल की बात हो रही है यहाँ पर, बी ऑरलैंडो। जोसेफ कॉनरेड का जो नॉवल था बैकग्राउंड उसकी सी होती थी। एम फोस्टर का पैसेज ऑफ इंडिया दिखाता है ब्रिटिश एंड इंडियंस के बीच में रिलेशनशिप। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज लिखा गया है सोमरसेट मॉगहम। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सबसे पहली बार यूज की थी विलियम जेम्स ने। ब्रेव न्यू वर्ल्ड टाइटल हक्सले ने कहाँ से लिया था, टेम्पेस्ट से लिया था, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1984 ओरिवल 1984 था प्रोफेटिक नॉवल। हक्सले ब्रेव न्यू वर्ल्ड क्या था, ब्रेव न्यू वर्ल्ड था प्रोफेटिक नॉवल। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज किसने लिखा, गोल्डिंग ने, और स्कॉर्पियन गॉड भी गोल्डिंग ने लिखा ठीक है, इसका भी डी करेक्ट है। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, हालांकि कुछ लेंदी था सेशन, लेकिन मेरा भी जो है ना गला वो भी थोड़ा सूख गया है, मुझे भी पानी की ज़रूरत है। तो नॉवल आपको पढ़ाया, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा नॉवल क्या होता है, और बेसिक सी कुछ डेफिनेशंस थी वो भी बताई आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, 10 नॉवल के टाइप जो थे वो भी बताएँ। आई होप आपने वीडियो जो है एंजॉय की होगी। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उसे फॉलो करना। चलिए स्टे ट्यून्ड विद सौभित अग्रवाल क्लासेस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए
जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय।